ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया कांग्रेस के सरकार की याद दिला रहे हैं। उनके निशाने पर कमलनाथ थे। जनता के बीच सिंधिया ने यहां तक कह दिया कि वो 100 बार कमलनाथ को ग्वालियर बुला चुके थे, लेकिन कमलनाथ ने उनकी एक नहीं सुनी। इतना ही नहीं, खुद के बीजेपी में आने के बाद क्या हुआ वो भी बतला दिया और कहा कि ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो ग्वालियर ना आया हो। साथ ही सीएम शिवराज की भी वो तारीफ करते नजर आए। महीनों की सरकार में आज भारतीय जनता पार्टी का शायद मैं गलत हूं, 85 लोग मुझे ठीक करें, शायद कोई मंत्री बचा हो जो ग्वालियर ना आया हो सौगात देने के लिए, शायद कोई केंद्र सरकार का मंत्री बचा हो जो ग्वालियर ना आया हो सौगात देने के लिए, प्रदेश का मंत्री पर बचा हो। हमारे मुख्यमंत्री ने तो दिल खोल के नहीं, मध्य प्रदेश की तिजोरी को भी ग्वालियर छोड़कर संभाला। आपको बता दें, एमपी में चुनाव से पहले सिंधिया लगातार ग्वालियर में सक्रिय हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उन्होंने ग्वालियर को कई बड़ी सौगातें भी दी हैं। इन दिनों सिंधिया पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कभी कांग्रेस पर बयान देने से बचने वाले सिंधिया अब कांग्रेस को करारा जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।